हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेस्ट होंगे। वेलकम करता हूँ द अनफॉर्म ब्लॉगिंग में। आज मैं आपको अमेजोन का प्रोडक्ट जो कि मैंने साइकिल ब्लॉगिंग के लिए मंगवाया था वो प्रोडक्ट आ चुका है, और मैं भी आपको रिव्यू अनपैकिंग करके दिखाऊंगा। एंड देन मैं आपको साइकिल के थ्रू वीडियो कैसे बनाया जाता है, क्या व्यू है, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट आया है और कैसे उसको ट्राई करना है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके, सुके, सुके। और गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दूसरा प्रोडक्ट है जो कि माउंट चेस्ट है इसका नाम, और इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। पूरा इस तरीके से पैक होकर आता है, ये देख सकते हैं, स्ट्रेचेबल है ये पूरा का पूरा। एंड ये वाला जो स्क्रू है यहाँ पे मैंने अटैच करा हुआ मिला, बट इसको खोल के मैं बताता हूँ किस तरीके से होगा। एंड ये वाला जो प्रोडक्ट है ये इस तरीके से इसमें लगेगा। एक मिनट, और इसको इस तरीके से ये वाला ऐसे लग गया, और ये स्क्रू है, इसको ऐसे करके टाइट कर सकते हैं। अच्छे से टाइट करने के बाद क्या होगा कि, और ये स्ट्रेचेबल भी है, आपको ऐसे जितना भी आपका मोबाइल है ऊपर देखो इतना खींच सकता है, ये स्ट्रेचेबल अच्छे से। एंड ये अब रेडी हो चुका है। अब मैं इसको चेस्ट पे कैसे लगता है मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो भाई, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने चेस्ट माउंट को लगा लिया है, फिट कर लिया है, और कैमरा कुछ इस प्रकार का होगा। आप हम चलते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। और साइकिल मेरी थोड़ी वैसी है, मतलब पुरानी है, मैंने किसी से लिए टेस्ट राइड के लिए, बट अभी आपको बस पता लगेगा कि कैसा व्यू आता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 44 पे, यहाँ पर आपको व्यू दिखेगा सामने का। साइकिल की ब्लॉगिंग यहाँ की अलग ही रहती है, देखा जाए तो। यहाँ पर अभी काम चल रहा है थोड़ा, ये दिल्ली मेट्रो के अंदर ये एरिया आता है, पूरा का पूरा पीतम पूरा कवर करता है ये।
हेलो गाइस, सो वीडियो कैसे लगी? और जो अभी मैंने राइड करी है वो नेशनल हाईवे 44 था, और मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।